तस्कीर के हवाले से जो सबसे पहला नुकता आपके नजर पर
काम के लिए नजर आया, मुझे नजर आया कि तस्वीर का सबसे पहला कदम तो इंसान के अकल और इंसान के दिल का तस्वीर होता है। इंसान की अकल और इंसान का दिल, अगर ये इंसान को सही राह पर लेकर आ जाए, दुरुस्त राह पर लेकर आ जाए, तो इंसान फिर अल्लाह तआला की रजा के रास्तों पर दुरुस्त रूप में चलने में उसको मुश्किल पेश नहीं आती। सबसे बड़ी मुश्किल इंसान को यही पेश आती है कि इंसान नरक आता है। इनकी दावत की अवाय को अगर आप लोग देखें, जब मुश्किल मक्का के सामने मक्के के अंदर दावत रखी गई है और वहां पर वही की दावत पेश की जा रही है, वहां पैगंबर वक्त अपनी दावत पेश कर रहा है और पैगंबर वक्त की पूरी जिंदगी 40 साल के लोगों के सामने गुजर रही थी, वो भी सामने रखी गई है और फिर वो जो वही पेश की जा रही है, वो जो अल्फाज पेश किए जा रहे हैं, वो अपने स्वरूप के अंदर पेश करने वाले के किरदार के अंदर कहीं भी उसके अंदर ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई गलत बात कही जा रही है। लेकिन उस दौर में भी अकल के गुलामों ने यह कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। और फिर उनकी अकल ने जो दलीलें दी, उनके अहम ने जो दलीलें दी, अगर उन दलायल को उठाकर देख लिया जाए तो बड़ी हीन किस्म की, बड़ी अजा किस्म की, बड़ी मामूली किस्म के दलायल उन लोगों ने दी। यानी कि ये भी कुछ दलील होते हैं कि अगर ये नबूवत किसी को आता होती थी तो किसी सरदार को आता होती था, यानी किसी यजीब को आता क्यों, अगर किसी को आता होने थी तो दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस खत्ते के अंदर, इस अरब के अंदर, इस मक्का के अंदर बड़े लोग मौजूद हैं, सरमायादार मौजूद हैं, कबीलों के सरदार मौजूद हैं, वहां पर एक यतीम को इस्लाम के लिए मुंतखब कर दिया गया, उस यतीम के ऊपर उनको एतराज था। फिर वहां पर मालदार लोग मौजूद थे, पैसे वाले लोग मौजूद थे, यतीम के पास क्या होता है। तो लोगों ने कहा कि ये नबूवत किसी को मिल नहीं, अरे नबूवत के अंदर भी उनकी अपनी चॉइस किसी के कान के अंदर दाखिल हो रही है तो कान के जरिए दिमाग से होती नहीं, दिल के दर्द पर वक्त का नहीं बना
मुसलमानों के अंदर से फिरका पैदा हुआ है। उबैदुल्लाह बिन खैमा जैमानी फिरका है, वो अपने मुरीदीन को मानने वालों को खत के अंदर तरगीब दे रहा है। खत के अंदर तरगीब क्या दे रहा है? तरगीब ये दे रहा है कि जो औरत होती है ये औरत होती है बस, ये माँ और बहन नहीं होती। और कहता मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे हैं कि वो जो बहन जो सात पढ़ती है, सात जन्म लेती है, सात मंदिर पाती है, सात घर में खेलती है, सात खेल में कूदती है, जो सात परवान चढ़ के जवान होती है, और वो बहन जो सात परवान चढ़ती है वो मिजाज से वाकिफ होती है, तबीयत से वाकिफ होती है, वो समझती है कि मेरे भाई को क्या नजीर है क्या नजीर नहीं है। वो कहता है कि खिलाफ अकल बात है कि जो मिजाज के इतना करीब है उसको तो तुम किसी दूसरे के निकाह के अंदर लेकर आ रहे और दूसरे की बहन को तुम घर के अंदर लेकर आ रहे, तुम्हारे मिजाज से वाकिफ नहीं है जिसको तुम जानते नहीं हो। वो कहता है कि अकल की बात यह है कि बहनों के साथ निकाल दिया जाए और उसके बाद लगाया लेता है, तो अकल की बात को मान लिया जाए और वही की बात को छोड़ दिया जाए तो फिर महाराष्ट्र में किस तरह के फसादा जन्म ले सकते हैं। इस हमारे से तो हम कदीम अरब के लोगों को देख रहे हैं कि कदीम अरब के लोगों के बाद ये नहीं मामला था कि वो कदीम अरब के लोग जो बाप ने लोनिया खरीद के अपने पास रेबड़ पा लिया, तो जिस तरह बकरियां घोड़े और ऊंट औलाद के अंदर तकसीम हुए उनके तसरुफ में आए, इसी तरह बाप की छोड़ी हुई लोनिया जो उसके तसरुफ में हुआ करती थी वो बेटों के तसरुफ में जाया करती थी, कोई शर्म आया नहीं था। ये उस दौर का चरण था कि जिस तरह एक मियां और बीवी गुलाम है और वो किसी के तसरुफ में आ गए हैं तो शोहर को हटा दिया, कोई जरा रास्ता नहीं है, तो मेरी गुलाम है, मेरी मर्जी के मैं इसके साथ कुछ करूं, अब तेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और अगर तालुक के अंदर कोई औलाद पैदा हो गई उन गुलामों में से तो वो औलाद उनकी नहीं है, क्योंकि जिस तरह बकरी और बकरे को पाल के उससे जो औलाद हासिल की जाती है वो मालिक की मिलकर समझी जाती है, मालिक बेच दिया जाता है, तो उस दौर के अंदर ये रिवाज आम था कि गुलामों की औलादों को जाके बेच कर आए थे, रखते जब बाप का तो रखते ना माल का, तो ये उस दौर के लोगों की आदत थी। मैं आठवीं सदी हिजरी की तरफ को लेकर गया, अगर हम उससे आगे बढ़ के आ जाए उसी सदी की असर आ जाए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को उठाकर देख लें, अमेरिकनों को उठाकर देख लें, एटम बॉम्ब की डेफिनेशन क्या रखते हैं ये लोग, एटम बॉम्ब की डेफिनेशन उन्होंने ये ली थी कि ये तो वो हथियार है कि जिससे जंग के अजीम के खतरे को टाला कर रखने को फैला कर, दो बड़े शहर तबाह हो गए, लाखों इंसान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिंदगी खत्म हो गई उनकी, कयामत बर्बाद हो गई, खानदानों के खानदान तबाह हो गए, तो बजाय अकल के मानने वाले ये कहते नहीं तो तबाही का हथियार था इंसान के लिए, इन अकल के अंधों ने यह कहा कि नहीं ये तबाही का हथियार नहीं था बल्कि इससे तो जंग के अजीम को रोका गया, तो बड़ी भाईजी की थी अकल के मामले वालों के पीछे चला जाए। मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी, कोई हैरत की रिपोर्ट नहीं कि श्रीलंका हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पट्टी है, बस देशा की पट्टी के बस देशा की पट्टी, इस पट्टी के अंदर यह प्रवाह जमा हो गया है। अब अगर औरत हामला होती है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि पेट में वजूद पाने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, अगर वो लड़की है तो श्रीलंका में इंडिया में तो बाहर जगहों पर इश्तिहार भी लगे हुए डॉक्टरों के क्लिनिक के ऊपर, 10,000 रुपए दो 50,000 बचाओ, ये पुरानी बात है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी, ये 90s की रिपोर्ट थी, तो लोग हैरान थे 10,000 लगे 50,000 कैसे बचे, 10,000 दो 50,000 कर लेंगे, वरना 50,000 में दहेज में देने पड़ेंगे अगर बेटी निकली। अब अकल की बात देखी जाए तो भाई बेटी पैदा होगी तो लाखों रुपए देने पड़ेंगे, तो अकल की बात ना हो लाखों रुपए बचा लो, लेकिन अकल की बात पर चला जाए तो क्या दुनिया के अंदर इंसान की किस लाइन में सकती है। तो सबसे पहली बात ये तस्लीम करनी है कि हमें अकल के पीछे चलना है या हमें वही के पीछे चलना है। तो पहले ईमान को इधर दिया गया कि चूंकि इस्लामी उसी फितरत पर लेता है अपने भाई का, तो इस्लाम दीन फितरत है, इस इस्लाम दीन फितरत के ऊपर चलने वाले लोग ही निजात करने वाले लोग हो सकते हैं, और दुनिया को इस्लाम ही अमन दे सकता है, और दुनिया को इस्लाम ही सुकून दे सकता है, और दुनिया को इस्लाम ही आराम दे सकता है, क्योंकि इसके पास नदी की तालीम है, और नदी की तालीम वो है जो इस कायनात के बनाने वाले की दी हुई तालीम है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इंसान ये तय कर ले, इंसान ये फैसला कर ले कि मुझे चलना किसके पीछे है, मुझे चलना अकल के पीछे है या मुझे चलना वही के पीछे है। अगर वही के खिलाफ अकल आपको कुछ सही बात नहीं बता रही है लेकिन वो वही के खिलाफ जा रही है, तो अहले ईमान का मामला तो ये है कि वो दुनिया में
ये जो आसमान के फटने की बात तुम्हारा कुरान कह रहा है, ये गलत कह रहा है, आसमान फटने वाली चीज ही नहीं है। इस्लाम में पर्दा थोड़ी है, इस्लाम में गिलाफ थोड़ी है, इस्लाम आसमान में छतरी थोड़ी है, इस्लाम आसमान जो है ये तो गैसों का है, कुछ हुआ है, एक गुबार किसी की चीज है। तो कुरान नाजुमिल्ला गलत कह रहा है, हमारी सारी सही कह रही है, लोगों को उन्होंने गुमराह करने के लिए बात कही। लेकिन आगे चल के फिर इन्हीं लोगों ने दोबारा अपनी बात से रुख किया, इधर सलाम बदल की बात फिर उनको समझ में आई, या खुद ये कहने लगे कि भाई दुनिया के अंदर अगर रहना है जमीन को कायम रखना है, जिंदगी कायम रखनी है, तो जमीन के पर ये जो गुबार आदि चीजें हैं उनको फैलाओ, गंदगी को ना फैलाओ, धुओं को ना फैलाओ, क्योंकि ये जब धुएं यहां से उठते हैं तो एक सतह ऐसी है जिसको ओजोन कहा जाता है, ये उससे जाकर टकराती है, उसके अंदर दरारें पैदा कर देती है, और वो जो ओजोन की सतह फट रही है तो उससे जो है ना वो जहरीली शुआएं सूरज की दिशा आ रही है और उससे जिंदगी तबाह हो रही है। तो भाई जब कुरान आसा बदल उतार पहले जब तुम्हारी साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, उस वक्त कुरान तुम्हें बताया कि आसमानों का फटना अगर खुदा कह रहा है तो फटेगा, तुम तो सुनाने के लिए तैयार नहीं करते थे, तुम तो कहते थे जैसों का मन हुआ। तो आज भी किस चीज को पुकार किस बात की है, तुम्हारी बात तो तब्दील हो गई, तुमने जो बात को कहा था कि नहीं ये फटने वाली चीजें नहीं है, तो आज दुनिया के अंदर भी सफाई की मुहिम क्यों चलाते हो, आलोगी से बचने की बातें तुम लोग क्यों करते हो, तुम्हारी बात अपील हो चुकी, तुम्हारी बात रद्द हो चुकी, खुदा की बात साबित हो चुकी, इससे साबित होता है कि वही जो कहती है वो सही कहती है, और तुम्हारी साइंस जो कहती है वो गैर यकीनी है, जरूरी है ऐसा ही हो जो तुम आज कह रहे हो, कई मुमकिन है जो तुम आज कह रहे हो तुम्हारा कल गलत साबित हो जाए, क्योंकि साइंस के अंदर ये तरबैयु जरूर मौजूद है और वही के अंदर तरबैयु मौजूद नहीं। इसी तरह तुम लोगों ने उस वक्त भी हंसी हंसी उड़ाई जब तुमने कुरान की आयत सुनी, जब तवाफ के तुम कसर जब तारे झड़ जाएंगे, उस वक्त भी तुम लोगों ने यह कहा कि तारे तो झड़ने वाली चीज है, तारे तो झड़ने वाली चीजें नहीं है, हमने तो देख लिया हवाओं में बॉल लगे हैं, हवाओं में घूमते फिरते हैं, ये जमीन खुद घूम रही है, तो जमीन पर कैसे आकर गिरेंगे, हम तो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारी साइंस ने यह बात कही कि 24 घंटों के अंदर 10 खरब की तादाद में शुहाबे सातिल आसमान से जमीन की तरफ आते हैं, फिर तुम्हारी साइंस ये कहती है, फिर तुम्हारी साइंस ये कहती है कि आसमानों के अंदर ऐसे मदारे भी मौजूद हैं कि शुआ क्यों ये सैयारे क्यों ही बात आकर होते हैं साकिब, वो खुद को भस्म हो जाते हैं, तो कौन भस्म कर रहा है, कौन भस्म कर रहा है, तुम्हारी साइंस उसे कितना बता रहा है, कभी तुम मानने के लिए तैयार होते हैं तारे झड़ते हैं, फिर तुम मानने के लिए तैयार हुए कि तारे हम आगे झड़ते हैं, तो हमने कहा कि भाई कहां जाते हैं, तुमने कहा भस्म हो जाते हैं, हमने कहा खुदा कहता है कि मुझे जिंदगी कायम रखनी है, जब मुझे कयामत लानी होगी सारे मजार में हटा दूंगा और ये आसमानों से पत्थर बनते नहीं आऊंगे, ये सैयारे ये तारे सुहावे साकिन जमीन पर आएंगे, आसमानों से चीजें जमीन पर आएंगी और जिंदगी बनाऊंगी, कुरान को ये कहता है जो जगह सकते हैं, तुम्हारी साइंस को आज तक पता नहीं चल पाता, और तुम कहते मेरी साइंस आता है साइंस खुदा है, तुम साइंस से गुमराह बने जा रहे हो और तुम वही को हल किए जा रहे हो, अपने इस अकल के पीछे मत चलो वही के पीछे चलो, सबसे पहला तस्किया इसके लिए अकल का तस्किया है, इसके लिए अकल के तस्किये को तुम तस्लीम नहीं करोगे तो कभी तुम्हारा हैरान कर दिया तुमने फटक पे होगे हमेशा के लिए, इंसानियत की मेराज से गिर जाओगे, हकीकतों को नहीं पास करोगे जब बात हकीकतों में पानी चाहिए, और यही बात जब पानी के हवाले से कही गई कि वही जल में हार की रख जब समंदर भड़का दिए जाएंगे तुम हंसने लगे कि तुम्हारा कुरान कैसी बातें कर रहा है, कभी समंदर में भरने का पानी की तुम भड़कता है, पानी तो आग बुझाने का काम देता है, लेकिन फिर जब तुम्हारी साइंस आगे बढ़ और उस साइंस ने आगे बढ़कर ये बताया कि नहीं पानी तो बनाया हाइड्रोजन तो आपने एक भड़कती है दूसरी भड़का दी दोनों आगे, हमने सवाल के बताओ दोनों आगों को जमा किसने किया, किस तरह पानी बन गया, तुम लाजवाब थे, कुदरत ने ऐसा कर दिया, तुम कुदरत को खुदा मान के बैठ जाते हो, खुदा को खुदा मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो, फिर जब तुमसे ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक को मिलाने वाला को जोड़ने वाला का कोई है तो खुदा की जात है, तो हम पर हंसते हो तो कहते हो तुम गलत बातें कर रहे हो, तो हम तुम्हें यह कहते हैं कि जिसने दोनों को जोड़कर पानी बनाया है उसकी कुदरत के जरिए दोनों को अलग करके यहां पर आग बना सकता है, वजल खारो गुजरत वजल बिहारो गुजरत, ये जो है पहाड़ बनकर ये बड़े बड़े आग के आधार बनकर ये जमीन पर दौड़
सच्चे रस्ते वाले जो है वो ये है कि ये तस्लीम करना कि जिंदगी अगर धीरे से काय करते हैं तो जिंदगी का वही रास्ता दुरुस्त रास्ता होगा जिस रास्ते का इंतजाम करके जो दिला है। इस पर यकीन रखना, अपने अंदर के दिमाग के सारे पत्थरों को निकाल देना, अपने अंदर और जहन के अंदर जितनी भी बातें मजीद मौजूद है चाहे किसी भी हवाले से मौजूद है, रंग व नजर के हवाले से मौजूद है, तासुब के हवाले से मौजूद है, जात पात के हवाले से मौजूद है, मुआशरत तबलीगा के हवाले से मौजूद है, जो जो कुछ मुआशरे के अंदर मौजूद है उस सब को हटाकर खुदा की तालीम को अपनी जिंदगी बनाओगे और ना मिठुबे बनाओगे, तालीम को अपने कायदा की तालीम को अपनी जिंदगी का निजाम बनाओगे तभी तुम कामयाब होगा। सबसे पहली बात तो यह कि इस बात को तस्लीम किया जाए, इस बात को मान लिया जाए कि जिंदगी की फलाह, जिंदगी की बका और जिंदगी की सलाह और जिंदगी की कामयाबी खुदा रब्बुल जलाल के पीछे चलने में, इस वही के पीछे चलने के अंदर वही से अगर हमने हाथ उठा लिया तो अगर हम सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे और रास्ते से भटक जाएंगे। आज भी मुआशरे के अंदर ये बहस चल रही है, आज भी मुल्हिदीन, आज भी अथियस, आज भी खुदा के दीन के इंकारी लोग यही बातें साइंस की उठा उठा के भाग भाग लाते हैं, वो साइंस पर इंकार करती है। खुदा को माने लेकिन साइंस साबित नहीं करती, कयामत को माने लेकिन साइंस साबित नहीं करती, जगत को माने लेकिन साइंस साबित नहीं करती, दोस्तों को माने लेकिन साइंस साइंस साबित करेंगे तो मानोगे, खुदा के लिए तो मानने के लिए तैयार नहीं। एक पीएचडी डॉक्टर रिटायर्ड गरीब नसीब उसे कहते हैं कि जनाब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, पहली बात मुझे ये बताओ कि जो मर्द मरते हैं तो उनको हुए भी नहीं, जो औरतें मरेंगी उनको जन्नत में क्या मिलेगा, उसका नाम तो तुम्हारा कुरान में था नहीं, भूला मत नहीं नाम उसका, हमने भूला का नाम तो दिखा ही नहीं। फिर उसने धक्का लगाया और कुरान पर हंसा काटना था, फिर उसने आगे बातें करना शुरू कर दी कि तुम जो नमाज की बातें करते हो ये वर्जिश के लिहाज तो ठीक है लेकिन ये उठक बैठक के लिहाज तो ठीक है लेकिन तुम्हें मिलता क्या। फिर अगली बात उसने ये कर दी, फिर उसे अगली बात कर दी, फिर उसे अगली बात कर दी, फिर साहब ने कहा कि इनसे बहस मत करो तुम्हारा एहतराम कर रहे हैं, जब इनकी बारी आई तो खुद ही समझ जाओ। अब मैंने कहा कि तुमको मुझसे आगे की बातें करना, मैं तुमसे आगे की बातें बात नहीं करूंगा, तुमसे मैं पीछे की बातें करूंगा, मुझे बताओ कि मां के रहम में डरने वाले करने से तुम कैसे वजूद में आओ, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शक्ल सूरत कैसे बने तो मुझे ये बताओ, ये सूरज कैसे बना तो मुझे ये बताओ, ये चांद कैसे बना तो मुझे ये बताओ, ये पानी कैसे बना तो मुझे ये बताओ, ये जिंदगी कैसे बनी तो मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें तुम इतना मुझे बताओ मैं तुम्हें इंतहा बताने के लिए तैयार हूं। अब उस बंदे ने कहा कि बात हमारी साइंस को यह कहती है धमाका हुआ बिग ब्लास्ट हुआ और उसने जिंदगी जन्म से करा दी, आज भी धमाके हो रहे आज जिंदगी क्यों नहीं पैदा हो रही, आज मखलूकात क्यों नहीं पैदा हो रही, आज भी तूफान आ रहे हैं, आज भी जलजले आ गए, एक इस तरह का ब्लास्ट और भी है इतना नहीं है। तुमको ये बातें करते हो शुरू मखलूकात क्या शुरू मखलूकात है, ये शुरू मखलूकात नहीं तो बंदर से इंसान बना है, मैंने कहा आज के बंदर से इंसान क्यों नहीं बनते भाई, आज के बंदर मौजूद है तो उससे इंसान क्यों नहीं बनता, तुम्हारी अकल यहां काम उठ जाती है, दलील से बात करना तो बात करो बात करते हो, तो दलील का भी कोई चीज नहीं है सिर्फ दावे हैं और लोगों को गुमराह करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दीन का काम करने वाले लोग हैं ये इन अथियस लोगों के और दीन दुश्मन लोगों के खिलाफ नजरों पर काम करने चले जाए, ये जिस तरह दीन की दावत को लेकर फैलना चाहिए लड़ाई उतर लेकर फैलना चाहिए खुद खुद की चीज होती है, अगर कोई है कोई ठोस जाकर मुझे अकल ला देगा तो इसको अकल कहते हैं, ठोस फिक्र में तुम अकल ला के दिखा दे, तुम्हें ठोस फिक्र में खुदा ला के दिखा दे, अल्लाह ला के दिखा दे, पर तुम तुम्हारी अकल के मलामत की सिवा क्या किया जाए, अफसोस की सिवा क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला कदम, सबसे पहला मामला है, ये मामला है कि इंसान को अपनी तस्किया करना चाहिए, साफ करना चाहिए, बात करना चाहिए, जितने भी गलत नजरियात आ रहे हैं, जितने भी फजूल नजरियात आ रहे हैं, जितनी गलत बातें जिंदगी के अंदर आ रही हैं, उन तमाम की तमाम बातों को दुरुस्त करना चाहिए। और पूरे जुलाल ने पुराने बात में ले इमाम से कहा उस बात को कि या जो मुद्दसिर खुद को अंजिर व रब को बकाफिर व सियाद को बकाफिर व रुस को बाजिर व लाकर मुद्दसिर से बोले रब को मस्त। ये ओल्ड लिमिट पे लेटने वाले, ये ओल्ड लिमिट पे लेटने वाले कौन खड़े हो जाओ पांजिर इंतजार आराम करो बढ़ाने का काम करो व रब का बकाफिर रब की कुदरियाई को कायम करो जिम्मेदारी बनती है कि रब की दुनियाई का निजाम मुआशरों के अंदर कायम करने के लिए तुम अपने आप को लगे रास्ते पर लगा। लेकिन यह मामला दूसरा हो गया,
लोगों ने कहा कि ठीक है, हम दुनिया के अंदर रब की रजा का काम करते हैं। अब किस तरह काम करते हैं जी? हम अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। कि नफ्स का तज़किया करें तो क्या करेंगे? इस नफ्स को मारेंगे। मार कर क्या करोगे? खुदा की जो सिफात है उनका मजहब करना चाहते हैं। खुदा की सिफात का मजहब करना चाहते हो? किस तरह खुदा की सिफात का मजहब कर सकते हो? खुदा मुजर्रद है, हम भी मुजर्रद बनना चाहेंगे। खुदा अकेला है ना, तो मुआशरे से कट जाएंगे हम, निकल जाएंगे हम, बयान चले जाएंगे हम। खुदा जैसा बनने की कोशिश करेंगे ना उसको, और फिर वो जो रब चली उनकी तस्वीर रखी, वो राहबाना कसम खा जो ईसाई के अंदर मौजूद है उनको लेकर आ गए इस्लाम के अंदर, और फिर उन्हें रास्तों पर चल पड़े। जब जो तस्किया कर फसला, किस तरह तस्किया कर रहे उनके मुआशरे से भागकर बयान होने जा रहे हैं, मुआशरे में बैठ कर अपने ईमान पर कायम रहकर दिखा दो, जहां बातिल नजरियात मौजूद होंगे उन बातिल नजरियात का डटकर मुकाबला करो। बरबा का पक्का फिर वो जो बाकी नजरियात इंसानों के बनाए हुए नजरियात है, जो तुम्हारे दौर की सारे नजरियात तुम्हें पैदा करके देती है, वो जो सोचे तुम्हारी साइंस के तुम्हें सामने लाकर देती है, जो साइंस का तुम्हें खुदा बनाकर बता पाए, वो साइंस का मुकाबला करो। उन साइंस की हदाय के मुताबिक जो रब कायनात ने तुम्हें इल्म और अक्ल और शऊर दिया है, ये वहां टकराव नहीं है साइंस का और वही का टकराव नहीं है दोनों का। ये इल्म और अक्ल जो खुदा रब्बुल इज्जत जलाल ने इंसान को अता फरमाया, उसी इल्म और अक्ल के नतीजे के अंदर इंसान अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अता को हासिल करके उसके नतीजे के अंदर दीन इस्लाम की रोशनी को लेकर आगे चलता है। अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि फिर जब इंसान ने कहा ठीक है मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, तो फिर असल में क्या जरूर आया कि रास्ता जो मुझे इख्तियार करना है वो रास्ता वो इख्तियार करना है ना उसको मिला, मैं खुद इलाह बन जाऊं। अहले तसव्वुफ यही पर ठोकर खा गए कि हम खुद खुदा बन जाए, खुद इलाह बन जाए। खुदा अगर कुदरत का हाल जानता है, किस्मत का हाल जानता है, हम भी किस्मत का हाल लोगों को बताए। खुदा अगर सिफा देता है तो हम बड़े अमाम और चुपे बैठकर गुजरे जिंदगी गुजार के चिल्ले काट कर दुनिया से कट कर, और हम भी लोगों को सिफा देना शुरू कर दे, किसी पर पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी बीमारियां बदल जाए, उसकी बीमारी खाती हो जाए, पानी में पड़ के दिया जाएगा, उसके अंदर काम किया जा रही है। वो जो अजर असल किरदार था इस्लाम ने दिया, वो असल किरदार कहां था? वो तो सहाबा किराम की जिंदगी के अंदर था। कौन सा सहाबी ऐसा जिसने घर को छोड़ दिया और बयानों के अंदर चला गया? वो सहाबा तो वो थे जो घर को भी संभाल के रखते थे, कारोबार भी किया करते थे, जिंदगी के बाकी मामला को भी चलाया करते थे, और सारे मामले के साथ साथ उसी इस्लाम के पास सिपाही होते काम भी करते थे। तो जो मिसाल आइडियल मिसाल को जो थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आइडियल मिसाल को छोड़ दिया, उस आइडियल मिसाल को छोड़ने के नतीजे में रहबाना जिंदगी, उस रहबाना जिंदगी से क्या मिला? न खुदा जी मिला, ना मिसाल मिला, ना इधर का। तो इस हवाले से भी जरा सोचना है कि जब मुआशरों में तस्किये नफ्स का तसव्वुर सामने आएगा, ये सिफात सामने आएगी, तो ऐसा ना हो जाए कि उन तसव्वुरात के अगर लोग गुम हो जाए, उन तसव्वुरात के पीछे निकलना शुरू कर दें कि जिन तसव्वुरात के अंदर खुद इलाह बनने का तसव्वुर हो जाए, खुद इलाह बनना शुरू कर दें। और ये मुआशरे में आम है, आपको नजर आएगा मुआशरों के अंदर कि लोगों ने खुद अपनी बैठ गए, खुद इलाह बन के बैठ गए, और लोगों से कहा कि आओ हमारे नबी ने हमारे हाथ में बैठ गए। कोई शर्त नहीं है इस्लाम की किसी के हाथ में आकर बैठ करने, कोई शर्त नहीं है, शर्त शरीयत से साबित नहीं है कहीं भी। ये लोगों ने इसको नासिब करार दे दिया, और फिर क्या मामला हुआ? ये देखिए, फिर मैं तेरा अकल की बात करना चाहता हूं कि जब तुमने बैत कर ली, अब तुम्हारा जमा, अब तुम्हारा सारा वजन तुम्हारा तुम्हारे बुजुर्ग पर आ गया, अब वो तुम्हारे निजात के सामने मशगूलियत हुई, जाओ उसके पीछे। अकल क्या कह रही है तुम? जाओ उसके पीछे। अच्छा आप फेंक दिए, बंदा कह रहा कि मैं तो उस काम पर चल रहा हूं, मैं तो दीन पर चल रहा हूं, मैं तो हिदायत की राह पर आ गया हूं, अब तो बस सही है, मैंने किसी के पीछे चलना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर फिर भी मामला है कि तुमने राह तो मुंतखब की, लेकिन राह तुमने वो मुंतखब की कि जो तुम्हें हिदायत के रास्ते के बजाय गुमराही के रास्ते पर लेकर जाए। इससे कोई मना नहीं करता इस्लाम कि आप बुजुर्गों की सोहबत को इख्तियार करो, इस्लाम कहता है कि सोहबत इख्तियार करो, बुजुर्गों के साथ रहो, सालिहीन के साथ रहो, नमाजों के साथ रहो, दीनदारों के साथ रहो, नमाजों के साथ बैठोगे तो नमाजी बनोगे, इशार करने वालों के साथ बैठोगे तो इशार करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा होगा, मुजाहिदों के दरमियान बैठोगे तो जिहाद की तरकीब तुम्हें आएगी, अकामत दीन की जद्दोजहद करने वालों के साथ चलोगे तो ये जद्दोजहद का रास्ता तुम्हें भी नजर आएगा। तो खुदा कह रहा है जरूर उनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि दीन तरकीब देखते हुए जानते हुए परखते हुए चलो कि ये जिसके पीछे में चल रहा हूं, जिनके साथ में चल रहा हूं, कहीं भटक तो नहीं रहे, और जहां जहां
बुजुर्ग है दोस्तों, कह सकते हो सर ये बात आप नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम से साबित नहीं है, ये रसूल खुदा से साबित नहीं है, ये सहाबा से साबित नहीं है, लिहाजा इस बात को रोक देना चाहिए। तो इस्लाम इस अजीब तरीके से नहीं रोकता है कि हमारे मार्ग को नजर आ, इस्लाम कहता है कि या अय्युहल लदीना आमनू ला तक़द्दिमू बैने यदी अल्लाह, एक कदम भी तुम्हें नहीं उठाना बगैर ये जाने के कदम उठाने के बारे में खुदा का हुक्म क्या है। जितने अरब कारखान ने इन माशों के मुसलमानों के लिए राह को फांसी कर दी है कि तुम्हारा एक एक कदम उठे तो किस अंदाज से उठे कि तुम सोचो कि इसमें खुदा की तालीम क्या, खुदा के रसूल की तालीम क्या, खुदा और खुदा के रसूल की तालीम से हटके जो तालीम तुम्हारे पास आ जाए उसको गुमराही समझो, गुमराही समझो, गुमराही समझो, खुद को उससे दूर करो। दीन को रब ने मुकम्मल कर दिया, उस मुकम्मल दीन के लिए पूछे, उस मुकम्मल दीन को लेकर चलो, उस मुकम्मल दीन के हिसाब से चलो। तो ये पहला मामला था तज़किया नफ्स का, जो सबसे पहली बात ये कही गई कि तज़किया नफ्स होना चाहिए, तो तज़किया होना चाहिए अकल का, तज़किया होना चाहिए इल्म का। तो इल्म के अंदर जो खुराफात आ रही हैं, जो गलत नजरियात आ रहे हैं, जो बिदआत आ रही हैं, जो इस्लाम के अंदर चीजें शामिल करके नया एडिशन दिया गया है, उस नए एडिशन को देखो और देखो कि असल जो एडिशन है मोहम्मद मुस्तफा वाला, ये उससे कितना फासला है, कितना दूर है। अगर दूर नजर आए उसे दस कदम जो असल नजर आए उस असल के पीछे चलो, ये सबसे पहला तकाजा भी है और गुजारना भी है इस्लाम के अंदर। बस याद का पता है वो जो गंदगियां नजरियात तुम्हारे दिमागों में बैठ गई, उन गंदगियों को दिमागों से निकालो, बात करो, सियाह का पता है, बात करो अपने आप को, अपनी सोचों को बात करो, अपने जिस्म को बात करो, अपने लिबास को बात करो। तो तज़किया नफ्स का जो तकाज़ा इस्लाम करता है मामूली तकाज़ा नहीं, ये तो बुनियादी तकाज़ा करता है कि दीन की राह पर चलते हुए तुमने अपने अकायद को पाक करना है, सोचों को पाक करना है, निगाहों को पाक करना है, जबान को पाक करना है, कानों को पाक करना है, कारोबार को पाक करना है, जिंदगी के जितने मामला हैं वहां जहां जहां पैगंबर के हुक्मों से मौजूद है, उनका इंतजार मौजूद है, उन तमाम तकाजों से निकल कर अल्लाह को अपने साथ तकबीर कराना है, तो तुम सही मजमे तस्के रस्ता है। पहली बात समझ आनी चाहिए अकल और इल्म का तस्किया, ये बुनियाद है, बाकी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं लेकिन अकल और इल्म का तस्किया नहीं किया। अब गुमराही की गुमराही और गुमराही के अलावा कुछ भी, और फिर दूसरी बात उसका सिंगर में जिक्र कर चुका हूं आपके सामने, दूसरा कदम जो तस्किया के हवाले से आता है वो आता है ताल्लुकात का तस्किया, ताल्लुकात का तस्किया। और ताल्लुकात में एक मोमिन का जो सबसे बुनियादी ताल्लुक है, पहला ताल्लुक है, वो ताल्लुक रब के साथ ताल्लुक है। उस ताल्लुक को भी समझना है, सिफात का हामिद होना अलग चीज होती है, सिफात का मजहर होना अलग चीज होती है। आज के सुबह के आप सिफात का मजहर बनने के लिए दौड़ पड़े कि जो खुदा करता है वो हम करें, खुदा शिफा देता है हम शिफा दें, खुदा जिंदगी देता है हम जिंदगी दें, खुदा औलाद देता है हम औलाद दें, खुदा रोजगार देता है हम रोजगार दें, खुदा किस्मत के गैर के हाथ जानता है हम भी किस्मत के गैर के हाथ जानकर लोगों को दिए। ये ताल्लुक जो खुदा से तुमने जोड़ा है, खुदा कैसा बनने की तुमने कोशिश की है, ये तुम्हें शिर्क पर लेकर आगे होना ये चाहिए कि तुम्हें खुदा की सिफात का हामिल होना चाहिए, ताकि सिबगतुल्लाह से अपना हसर में लाए सिबगा वाली बात पूरी हो जाए कि अल्लाह के रंग में खुद को रंग दो। और खुदा का रंग क्या है? खुदा अगर गनी है तो वो घना तुम्हारे अंदर भी आना चाहिए, खुदा आपके अंदर अगर हमियत है तो दीन के अंदर वाली हमियत तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए, खुदा के अंदर अगर हया है तो दीन के लिए वो हया तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए, खुदा के अंदर अगर जुर्रत है के लिए वो जरूरत तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए। अगर इस तरह सिफात को अपने अंदर लेकर चलते हो तो तुम सही रास्ते पर हो, यह बात कुछ प्यार करते नहीं। खुदा अगर मालिक है, खुदा अगर कादिर है, तो खुदा के मालिक और कादिर होने का तसव्वुर तुम्हें खुदा की शुक्रगुजारी की तरफ लेकर जाए, खुदा के मशहूर बनकर जिंदगी गुजार के ताल्लुक आता मामला खुदा के साथ, खुदा के ताल्लुकात में शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए। तुम जितना जितना शुक्र करते चले जाओगे फिर उतना उतना मजीद की तरफ चला जाओ, शुक्र गुजार जिंदगी गुजारो। फिर अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र तुम अगर अदा करना चाहते हो तो तुम अदा नहीं कर सकते। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा मोमिन अगर अपनी पैदाइश की घड़ी से लेकर मौत की घड़ी तक मुसलसल हालत सजदा में रहे तब भी वो खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतने खुदा के ऐसा नाम
कायनात को, कायनात के मजाहिर को देखो, कायनात की रंगीनियों को देखो, कायनात की तकलीफ जिंदगी को देखो, और इन सारी चीजों को देखते हुए तुम्हें असली तरह मेरी कुदरत नजर आनी चाहिए। जब तुम खुदा की कुदरत नजर आए तो खुदा की बात में झुकते चले जाओ, झुकते चले जाओ, झुकते चले जाओ, शुक्र गुजार हो जिंदगी क्या। तो खुदा से ताल्लुक की पहली बात कि सिफात के बारे से मैंने बात की, सिफात का नजर होना, सिफात का हामिल होना, इन दोनों के तरफ बड़ा फर्क होता है। लिहाजा पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि हमें खुदा रब्बुल जलाल की सिफात का हामिल तो होना है, लेकिन मजहब करने की कोशिश नहीं करनी, खुदा जैसा बनने की कोशिश हम लोगों ने नहीं करनी। अगर खुदा जैसा बनने की कोशिश की तो फिर हम लोग बना सकते हैं बुरा ही बात। दूसरी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि इंसान के दिल में शुक्र पैदा करें, खुदा से ताल्लुक की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। पहली बात तस्की तस्की एक बुरा बंदा तस्की, उसके बाद अगला मौजूद मैंने लिया आपके सामने तस्वीर के हवाले से और ताल्लुकात का मौजूद लिया, और ताल्लुकात में सबसे पहला ताल्लुक मैं अल्लाह ताला से ताल्लुक लेकर आया कि अल्लाह से ताल्लुक कैसे होना चाहिए। उस ताल्लुक के हवाले से मैंने आपसे बात की कि वो ताल्लुक अंदाज नहीं होना चाहिए जो आयतों के पास है, जो सूरतों के पास है, जो चौकियों के पास है। खुदा के मजह को होने की बात, जो वहदत वजूद की बात मेरे सामने की जाती है कि खुदा के वजूद के अंदर तुम भी जमा हो जाओ, यानी खुदा जैसे बन जाओ। इशरत एक कदरा है, दरिया में बना होना, हम कदरे हैं, खुदा में बना हो जाए, खुदा जैसे हो जाए, खुदा जैसा इंसान ही बन सकता है, न सोच सकता है कभी। लेकिन माफ कीजिएगा, ये सोच हमारे अंदर मौजूद है, उत्तर प्रकार से मौजूद है। इंसान को शेता गुमराह करता है, इंसाफों के बदले कर चल रहा होता है। तो पहली बात क्या है, शुक्र के हवाले से चलना है। अगली बात यह है कि जब शुक्र तुम करोगे तो शुक्र का जो इजहार है वो इबादत के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है, आजिज़ी के अंदर होता है, इंतसारी के अंदर होता है, हिसाब के अंदर होता है। तो ये जो बंदा शुक्र गुजार है तो इबादत गुजार नहीं है। तो जो पहली बात है कि शुक्र गुजार है वही नहीं है। किसी के अंदर अगर इबादत गुजारी नजर ना आए समझ लो कि उसके अंदर शुक्र गुजारी नहीं है। जो शुक्र करने वाला होगा वो ही इबादत गुजार होगा, जिसने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया वो कभी आबद नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस आपको सुनी, हम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ए नबी, अल्लाह के नबी अपने आप को क्यों खुला कर कोई बात आपके बारे में सुना, आपकी तो बख्शिश का ऐलान हो चुका है, खुदा के महबूब हैं आप वजह दबी की कायनात है, आप कुछ सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि क्या मैं खुदा का शुक्र अदा ना करूं। तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शुक्रगुजारी के जज्बे में जो इबादत की वही नबी कायनात की बात आ ये जज्बा कि शुक्र गुजारी है तो फिर इबादत इंसान को मजा देगी। खुदा की कुदरतों को देख रहा है, अपनी बिनाई को देख रहा है, अपनी कुदरतों को देख रहा है। आपने सुना होगा शेख सादी का वाक्य सुना होगा, शेख सादी सफर कर रहे थे, सफर तैयार कर रहे थे, दीन की दावत के निकले हुए थे, अल्लाह के राह में निकले हुए थे, थकावट के खुद को वजूद का थका था, कपड़े गद्दार डाल चुके हैं, कई दिन घर से बाहर निकले हुए हैं, सफर किए सफर किए सफर किए, थक गए, हम काम हो गए, चलते चलते चले चप्पल टूट गई, एक शहर में पहुंचे, दिल में शिकवा लिए जा रहे हैं, अल्लाह तू इतना भी नहीं करता मेरे लिए कि मैं तो तेरी राह में अपना को हफ्ता के जा रहा हूं, तू मुझे चप्पल देता कर दे। लेकिन जो ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि वहां फकीर मांग रहा है, उसके पैर तू वही सजदा रहे हो गए, वही सजदा रहे हो गए कि अल्लाह मैं जितना नादान गुमराह हो चुका था, तुझसे शिकवा कर रहा था, तू अगर इसकी तरह मुझे भी पैर ना देता तो मैं तेरा क्या कर सकता। तो ये मुआशरे में जितने भी लोग अगर आते किसी नाबीला को देखो शुक्र करो खुदा ने तुम्हें निकाल दी, किसी मफलूज को देखो कॉलेज वाले को देखो शुक्र करो खुदा ने तुम्हें कॉलेज की आदत से रोक कर रखा, किसी बीमार को देखो शुक्र करो खुदा ने बीमार से बचाया रखा। तो ये शुक्र गुजारी का जज्बा और उसका मजहब फिर इबादत के अंदर नजर आता है, और इन इबादत के नतीजे के अंदर ये जो इबादत है ये दरअसल इजहार एहसान मंदी है खुदा रब्बुल जलाल की, इजहार न्याज मंदी है, और इजहार तसल्लुल है खुदा की बारगाह के अंदर गुनाहों को झुका देता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपके सामने शुक्र की और उसके बाद में मैंने इबादत की थी। मेरा 10 का टाइम पूरा हो गया, मेरा अगला 10 मिनट बाद था मस्जिद के अंदर, बस ये मैं 10 पॉइंट बताकर खत्म करूंगा। इसके बाद अगला पॉइंट होता है इखलास का, अगर खुलूस दिल के अंदर नहीं बनता इबादत दिल के अंदर खुलूस से इबादत की है, तो ये जो इबादत है इसमें बड़ी अहादीस मौजूद है इखलास के अंदर, इन नमल अमाल के नियत से नमल कि इखलास के साथ इबादत होगी तो वो खुदा की बारगाह में होगी, वरना हम उनके बारे में सुन गया ना
से वापस भूमि में मारे जाएंगे। खुदा को तुम्हारी भूख और प्यास से कुछ द्वारा नहीं था, कुछ मतलब नहीं था। वो जिस इखलास के साथ रोजे रखने थे और इखलास के साथ रोजे नहीं थे, जिस इखलास के साथ नमाज पढ़नी थी वो नमाज उसे इखलास से नहीं, जिस इखलास के साथ शुक्र गुजारी करनी थी तुम पर रस्मों से शुक्र गुजारी करते रहे, जबान को मुझे लग रहा शुक्र गुजार करते रहे, शुक्र तेरे पे उतरा नहीं था। वरना उसके नतीजे में एहसान मंदी का जो हमारा रवैया था उसके अंदर हमारे अंदर में इखलास पैदा होता, इखलास के बाद मोहब्बत का मामला। वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, फिर देखो कि अल्लाह पर ईमान है, तस्किया करो अपना कि तुम्हारा दिल जुड़ा किससे हुआ है। अगर दुनिया की जिंदगी ने औलाद से जुड़ा हुआ है, बीवी से जुड़ा हुआ है, माँ बाप से जुड़ा हुआ है, काम काज से जुड़ा हुआ है, तो समझ लो कि वो इखलास नहीं है। इखलास है तो मोहब्बत होगी, ये आपस में मजबूत चीज है सारी की सारी। वक्त नहीं है वरना इसकी तफसील में जाता, और उसके बाद वो ऐसे नहीं कि जिसका दीगर बजाय लेकर है कि बड़ी खतरनाक किसी का कोई वो देवता है, ये नहीं करोगे तो मार देगा, यू नहीं करोगे तो शराब हो जाएगा, यू नहीं करोगे तो आग आ जाएगी, खुशी बना जाएगी, ये खुदा का खूब ये वाला नहीं। खूब इस बात का कि उसने जिंदगी दी, शुक्र अदा कर रहा हूं, इबादतें कर रहा हूं, कहीं मेरे अमल में कोता ही रह जाए, कोई रुसवाई ना हो जाए। और जहां खौफ की अगर कायदा ने बात की कुरान पाक में, तो खौफ के साथ रिजा का भी तकाजा किया है अपने कायदा ने कि खौफ के साथ उम्मीद भी तुम्हारा करनी चाहिए और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जितना खौफ उतनी रिजा, खौफ नहीं है उम्मीद में चले जा रहे हो, अल्लाह तआला बख्श देगा, जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, और ये भी नहीं है, गुजरा हो खौफ भी खौफ है, खौफ भी खौफ है, खौफ भी खौफ है, उम्मीद नहीं है, गुलाम है, मायूस हो जाओगे, तो बड़ा गुनाह करो, मेरा क्या होगा। दोनों को बराबर लेके चलना है, खौफ को रिजा को, दोनों को साथ लेके चलोगे, ये तस्वीर की बात कर रहा हूं आपके सामने कि दोनों के बैलेंस को कायम करना है, इनकी अलाइनमेंट को देखना है। ये अगर आगे पीछे हो गए जिंदगी में फिर इंसान अकेले के हाथ से बिगड़ जाएगा, पर इंसान की बात नहीं कर पाएगा, उसके बाद कोई नासे हया है, इंसान अल्लाह से हया करे। तफसील का वक्त नहीं है, फिर वफा की बात आती है कि जहां वफादारी के तकाजे होते तो बंदा वफादारी के तकाजे पर अमल करता है कि नहीं करता, फिर हमीयत अल्लाह के नाम के ऊपर और उसके बाद हिमायत अल्लाह के नाम पर और सबसे आगे सच्चा जिहाद है। ये सारी चीजें जब वजूद में आती हैं तो फिर इंसान अपनी जान अपने वादा खुदावंद के सुपुर्द करने के लिए बेताब होता है। तो उस ताल्लुक के बिल्लाह की बात करने के बाद में तो खत्म होना जो वक्त मुकम्मल हो जाए, इसके बाद ताल्लुक है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद फिर ताल्लुक है अपना कुंबा और खानदान और पड़ोस को लेकर मामला, और फिर ताल्लुक रियासत के साथ भी आता है कि रियासत में जितने बहुत से मामला होते हैं लेकिन वक्त की तरकीबा में हाल है कबूल को लिहाजा सब कार्य को मिलता है।